स्टूडेंट क्लब और हामिदुर रहमान एकेडमी ने जीते मैच। वहीं जनपद रामपुर में MIMT हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन दो मुकाबले हुए, इसमें स्टूडेंट क्लब और हामिदुर रहमान एकेडमी की टीमों ने जीत दर्ज की। बगी गांव में शुरू हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि MIMT के डायरेक्टर डॉक्टर शादाब खान ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर उनके साथ महावीर सिंह, तुषार शर्मा, फरहद अली खान, बाबुल खान और इकबाल अली खान भी मौजूद रहे। पहला मुकाबला हामिदुर रहमान एकेडमी और चैंपियंस क्लब के बीच हुआ। इसमें हामिदुर रहमान ने 7/4 से जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में स्टूडेंट क्लब ने यंगमैन क्लब को 6/3 से हराया। वहीं आइए अब सुनते हैं MIMT के डायरेक्टर शादाब खान क्या कह रहे हैं। देखिए, आज वकास आपकी जो एसोसिएशन है और MIMT मिलकर एक स्टेट कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, और जो कि हॉकी के क्षेत्र में है, हॉकी स्टेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है आज, जो कि चलता रहेगा। कितनी टीमें हैं और क्या उद्देश्य है इसका? करीब इसमें 10 टीमें आ रही हैं, विभिन्न जगहों से 10 टीमें आ रही हैं, जिसकी डिटेल सब हमारे वकार साहब आपको दे ही देंगे। इसका उद्देश्य है कि रामपुर में जो यूथ है वो हमारा कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से दूर हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, रामपुर में बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। रामपुर में यहाँ पर स्टेडियम में काफ़ी टूर्नामेंट होते थे, जिसमें स्टेट्स टूर्नामेंट भी हुए, हॉकी के भी थे, फुटबॉल के भी थे, और सभी लोग बड़े इंजॉय करते थे। और काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एक मिशन है, एक मिशन मुस्कान, उसके तहत मेरी कोशिश ये है कि हम कैसे लोगों को चेहरे पर मुस्कान दे सकें, हम कैसे पॉजिटिव कर सकें। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, मैं समझता हूँ कैरियर बनाने के बाद ज़िंदगी में हमारे पास 20 या 25 साल हैं बस। हमारी ज़िंदगी 1000 साल की नहीं है। इस कैरियर के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपनी लाइफ के साथ हम कैसे समाज का वेलफेयर कर सकें, वो बड़ा अहम है। हम मिशन में अल्लाह ताला ने दिमाग में डाला, मिशन मुस्कान के तहत जब हम कैसे भी ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर कैसे मुस्कान ला सकें, ज़रूरतमंद की, चाहे वो दवाई के थ्रू हो, राशन के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू हो, और स्पोर्ट्स के ज़रिए हम जो अपने यूथ हैं, हमारे शहर रामपुर का हम नहीं करेंगे कौन करेगा। हर एक की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे यूथ को फ़ायदा हो, हमारे शहर को फ़ायदा हो, और ये उसी की कड़ी का हिस्सा है। जैसे हमारे इसमें बच्चे और इंजॉय करें और मोबाइल से निकल के कुछ इसमें फोर्स में आएँ और देश का नाम रोशन करें। सर, आज ये हमारा MIMT स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच है, जो हामिदुर रहमान खान एकेडमी वर्सेस चैंपियन क्लब रामपुर के बीच चल रहा है। हमारे बीच हमारे डायरेक्टर साहब, MIMT के डायरेक्टर साहब, जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और हमारे बच्चों को स्पॉन्सर्ड भी हैं, इनकी बदौलत ही हम इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजन करा रहे हैं। हमारे टूर्नामेंट में लगभग 10 टीमों पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो एक मेरठ की टीम है, गाज़ियाबाद की है, मुरादाबाद है, बरेली है, और हमारी जो लोकल हैं 5 टीमें हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्चुअली में हॉकी कराने का मकसद हमारा यही है कि हॉकी हमारा हिंदुस्तान का नेशनल गेम है, जो आज शायद बिल्कुल पिछड़ता चला गया है। कुछ स्पॉन्सर्ड की कमी से, कुछ लोगों की सियासत की कमी से पिछड़ता चला आ रहा है। तो हॉकी, मैंने आपको उस दिन भी शायद एक बार हमने न्यूज़ दी थी कि 1985 तक हमारी टीम ओलंपिक में गोल्ड हासिल करती है, उसके बाद हमारी टीम पिछड़ती चली जा रही है। तो इसके यही कारण है कि हम एक गांव में एक छोटी सी एकेडमी खोली है हमने, तो हम यहां पर हॉकी का टूर्नामेंट स्टार्ट कराया है कि इससे शायद कोई खिलाड़ी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंडियन लेवल तक चला जाए। ये बहुत बड़ा आयोजन है एक गांव के लिए। एक साल बाद ये एक टूर्नामेंट हो रहा है, जिससे पहले भी शायद एक टूर्नामेंट हुआ था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन ये एक इस साल का पहला बड़ा टूर्नामेंट है जो हम इसको तैयार करा रहे हैं, और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है जिसमें हमारे सारी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सभी लोगों का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करते हैं कि और ऐसे ही स्पॉन्सर्ड शादाब खान जैसे स्पॉन्सर्ड हमारे साथ आएंगे तो रामपुर का खिलाड़ी एक ना एक दिन नहीं तो 2 साल में, 3 साल में कोई ना कोई इंडिया खिलाड़ी बन के यहाँ से निकलेगा।